गाइस अब हम आदि कुमारी पे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे ये। और अब हम नेक्स्ट डे सुबह अब निकल रहे हैं हम भवन के लिए, और हम निकलेंगे इस गुफा में होके ये जो है। बाकी आप यहाँ से भी जा सकते हो, ये जो रास्ता है यहाँ से भी जा सकते हो, और यहाँ से है। तो चलो गाइस आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, खैर ये दूसरा रास्ता है, ये नॉर्मल रास्ते से थोड़ा कम मेहनत वाला है, थोड़ी कम चढ़ाई वाला है ये। चलो अब तो इन्होंने काफी अच्छा बना दिया ट्रैक, ये पहले से काफी अच्छा है। ये इधर से कटरा का व्यू, पूरा कटरा। आज का दिन और अपना है ये जो रास्ता है ये नया बना है, त्रिकोटी वाला, हिमकोटा की तरफ से आता है। इसका बेनिफिट ये है कि ये इस पर थोड़ी कम चढ़ाई है और भीड़ भाड़ इसमें बहुत कम है, शांति चाहिए तो ये वाला रास्ता काफ़ी इजी है आपके लिए। डिस्पेंसरी आदि कुमारी भवन का रास्ता ये जा रहा है ये वाला, और ये ताराकोटी की तरफ से आया है जो अभी नया रास्ता बनाएगा। इस ये वाला रास्ता है ये गाइस, यहाँ से होता हुआ इधर आ जाएगा यहीं से, तो हम चलते हैं भवन की तरफ। चलो नहीं जी भैया, बस पहाड़ी की तरफ ना चलें। जुर्माना, प्लास्टिक बैन है यहाँ पर भी। श्री माता वैष्णो देवी में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हर्षोल्लास के साथ ये सूचित किया जाता है। हेलीकॉप्टर, ये इन्होंने अच्छा किया। फ्री आगे की तरफ, देखते हैं आगे का क्या हाल है। बाकी चढ़ाई काफी कम है पहले के मुकाबले, हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं। ये इन्होंने बहुत सही किया हुआ है, बहुत सही चीज है भाई, बहुत। दे 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 भाई, एक और दे, एक और दे। दी कोटी आगे भाई, फाइनली भवन के दिग्दर्शन होने वाले हैं। ये रहा भवन, यहाँ पर्ची चेक करानी है हमें। ये हमारा मेन पॉइंट है, ये फाइनली हम देखो गाइस पहुंच गए हैं। यह दरबार दिख रहा माता का, बहुत मेहनत, बहुत काले, अरे तुम काले। चलो अब आगे आपको घुमाता हूँ।
ये यहाँ पर बैटरी वाले चलते हैं जो अराउंड इनका फेयर 600 रुपीज है, 600 रुपया शायद कम ज्यादा हो सकता है, बट मैंने 600 ही पढ़ा है यार। ये चेक पोस्ट है, इसके अंदर से चेकिंग करानी है। ये है भेंट शॉप, ये दरबार माता का, और ये बर्फ। वाव, अंडोला। आगे चलते हैं, लॉकर रूम आगे भी है, प्रसाद ले लो। ये रहा गाइस केबल कार, देखना है शायद अगर हमें अभी मौका मिले तो हम भी इसमें ट्रैवल करेंगे। तो गाइस दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा पे। अब देखते हैं कि उसके लिए हम क्या लेते हैं, केबल कार लेते हैं या फिर नॉर्मल चढ़ के जाएंगे। बाकी रेट तो 100 रुपये है, तो सोच तो केबल कार का ही रहे हैं। बाकी चलो आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो भी कुछ है। शायद रोप वे के लिए टिकट ले ली है, और ये यहाँ से रास्ता है, पीछे इधर काउंटर है और इधर से हम जाना है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास बैग है। तो गाइस हम रोप वे में ट्रैवल करेंगे। हैं, कोई नहीं, मैं ले चल रहा हूँ, बस यहाँ तक तो आना है। ये रोप वे, चलो ये हम जा रहे हैं रोप वे के लिए। ये आ गए बस। ओए आ गए, स्मूथ। भैरव बाबा का बोल सच्चे दरबार की जय। भैरव नाथ की जय 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 जय। ढाई मिनट, डेढ़ तो हो गया, डेढ़ मिनट तो हो गया। आगे बस, आगे बस, आगे बस। यहाँ से स्लो होएगा भैया, फाइनली हम पहुंच गए हैं। वैसे देखो 2 मिनट में हम वहां से यहाँ आ गए हैं यहाँ पर, और अब हम जा रहे हैं भैरव पे। तो ये हम आ गए हैं भैरव बाबा पे। ले लो प्रसाद, ले लो प्रसाद, ले लो प्रसाद, ले लो। देखो भाई मैं जा रहे हैं, बर्फ पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और अभी तो व्यू पॉइंट भी दिखाऊंगा।
ये देखो गाइस व्यू भैरव बाबा से।